ये जो चिकन फ्राई है ना दोस्तों, इतना इजी है बनाने में और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है। इसको बनाने में बिल्कुल ही वक्त नहीं लगता है, एकदम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में एकदम फटाफट सा बन जाता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल ही क्रिस्पी सा और एकदम कुरमुरा सा टेस्टी चिकन। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है 500 ग्राम, मोस्टली इसमें जो है बोन्स नहीं है उतने ज़्यादा, तो आप यहाँ पर बोन्स कम ले। और यहाँ पर चिली पाउडर यूज़ करेंगे 1 चम्मच के करीब, और फिर यहाँ पर कश्मीरी मिर्च कलर के लिए 1/2 चम्मच डाल देंगे। कलर बिल्कुल अच्छा होता है खाने का, तो इसे खाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो कोरिएंडर पाउडर भी यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, हल्दी भी थोड़ी सी डाल देंगे हम 1 चुटकी के करीब, और यहाँ पर दही डाल देंगे जिससे कि थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा और चटपटा बनेगा, 2 चम्मच डाल देंगे ये। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर हमें और ज़्यादा इसे रेड कलर और बिल्कुल चटपटा बनाना है, तो टोमेटो सॉस दें यहाँ पर 1 चम्मच या फिर सेजवान सॉस, कोई सभी रेड कलर का आप सॉस दे दें अगर आपके पास हो तो। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए हम यहाँ पर गरम मसाला भूल गए थे, तो आप पहले भी दे देना, ठीक है। यहाँ पर गरम मसाला आप डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आप इसे। ये देखिए इस तरह से मिक्स करके आप इसे चाहे तो मैरिनेट कर सकते हैं, वरना ऐसे जल्दी में फ्राई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ 30 मिनट मैंने रेफ्रिजरेटर में किया था, तो यहाँ पर अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के, और इसमें ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा अच्छी तरह से एकदम जल जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। थोड़ा सा स्टर करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। बिल्कुल एक एक करके आप एकदम मैरिनेटेड चिकन को बिल्कुल सजा देंगे इस तरह से, ये देखिए। और बस कुछ नहीं करना है, अब बस इसे हमें फ्राई करना है। देखा कितना आसान था। तो बस इसे आप फ्राई करने में जो टेक्निक लगेगी वो हम आपको बताते हैं। बिल्कुल इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप इसे छोड़ दें, हल्का हल्का पानी छूटेगा, मगर इसको स्टर करते रहें और फ्राई करते रहें। जब ये बिल्कुल पानी बिल्कुल छूट जाएगा, और फिर थोड़ी देर हम इसे चला चुके होंगे ढक्कन खोल कर, अभी हमने पकाया नहीं है, तो ढक्कन आप बंद करेंगे बिल्कुल। ये देखिए कवर करके हम इसे बिल्कुल 15 मिनट तक लो फ्लेम पर एकदम पकाएंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बिल्कुल अंदर तक मैरिनेट हो जाएगा। अब 15 मिनट के बाद चिकन में थोड़ा सा पानी और ज़्यादा छूटेगा, तो वो सब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वो जूसेस बिल्कुल ग्रेवी के फॉर्म में आ जाए। ये देखिए इस तरह से स्टर करेंगे और अलट पलट कर देंगे ताकि मसाले सबके साथ इवनली, सब चिकन के साथ इवनली मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमें फिर एक फाइनल टाइम इसे पकाना है, कवर करके फिर से हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर। जब 10 मिनट तक अच्छी तरह से एकदम, देखिए चिकन एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी और एकदम मसाला एकदम क्रिस्पी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब आप क्या करें कि थोड़ा सा और ज़्यादा फ्राई कर ले अगर आपको और ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए। मगर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम गार्निश करेंगे बिल्कुल ही कटे हुए कोरिएंडर लीव्स के साथ, ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल इसे स्टर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा चटपटा सा चिकन फ्राई, जो कि बिल्कुल मिनटों में बनता है, और इसको बनाने में बिल्कुल ही ज़्यादा समय नहीं लगता है। एकदम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ महा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा ही चटपटा और टेस्टी रोटी और चावल के साथ आप खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे आप प्लीज़ एक बार बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी और भी सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।